हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अपना सपना में। दोस्तों मैं हमेशा की तरह उपस्थित हूँ आपके सपनों का हल लेके। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके। तो दोस्तों आज हम सपने के विषय में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में आप अपने भाभी को देखते हैं, सपने में भाभी को अगर आप सपने में देखते हैं तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रभाव डालता है। दोस्तों सोने के बाद हम कई प्रकार के सपने देखते हैं और सुबह उठने के बाद उसी सपने के बारे में व्याख्या करते हैं, उस सपने के बारे में सोचते हैं कि आखिर जो सपने आते हैं क्यों आते हैं, इन सपनों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों सपने को लेकर स्वप्न शास्त्र का मानना होता है कि जो भी सपने हम रात को सोने के बाद देखते हैं वह सपने हमारी भूतकाल की घटी घटनाएं एवं भविष्य में होने वाली घटनाएं को स्वप्न फल के द्वारा दर्शाती है। कुछ सपने में शुभ संकेत देती है, वहीं कुछ सपने में अशुभ संकेत देती है। और ऐसा ही माना गया है सपने में भाभी को देखना। दोस्तों सपने में भाभी को देखना यह एक शुभ और एक अच्छा स्वप्न माना गया है। माना जाता है कि सपने में अगर आपको भाभी दिखाई दे तो आने वाले दिनों में आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेगा, आपके घर में कोई बच्चा पैदा होगा, ऐसा संकेत करती है अगर आप सपने में अपनी भाभी को देखते हैं तो। तो दोस्तों कुल मिलाकर सपने में भाभी को देखना एक शुभ और एक अच्छा स्वप्न माना गया है, मंगल कार्य होने की ओर माना गया है। तो वहीं स्वप्न शास्त्र कहता है कि जब भी आपको ऐसे शुभ स्वप्न दिखाई दे तो ऐसे सपने किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी के सामने व्यक्त नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से सपने पूरे होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।